मेरा मन ही नहीं कर रहा रुकने का, मन कर रहा मैं सबसे बात करूं। और अभी मैंने देखा कि मतलब मैं जिनका बहुत बड़ा फैन रहा हूं, और जब हम मोहल्ले में खेलते थे कभी गलती से बॉल तेज पड़ जाती थी, कहते थे ओए ज्यादा कपिल देव मत बन। लेडीज एंड जेंटलमैन, द वन एंड ओनली कपिल देव सर। सर मैं देख रहा था, मैं जैसे जैसे आ रहा था आप और कुर्सी में धसते जा रहे थे कि कहीं ये लड़का मेरे पास ना आ जाए। सर ऐसा हो ही नहीं सकता सर, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी छुप कैसे सकती है सर। एक बार जोरदार ताली आ जाए। सर क्या कहना है आज की शाम के बारे में? नमस्कार, गुड इवनिंग। इतने लोगों ने इतना कुछ कह दिया, मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैं उनके साथ जुड़ता जाता हूँ जो इन्होंने कहा, मैं उसके पीछे लाइन में खड़ा हूँ। और बहुत अच्छा लगा आज, दो चीज़ें अच्छी लगी। एक, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर जब आते हैं तो खेल कैसे बदल जाता है, और दूसरा खेलते समय किसी को इतना बड़ा नाम मिल जाए, पवेलियन हो, तो उसकी बहुत बड़ी तारीफ होती है। हम तो हमेशा ये देखते थे खेलने के बाद उनको इज्जत मिलती है, लेकिन आज खेलते हुए जब क्रिकेटर को इज्जत मिलती है तो और भी खुशी होती है। मैं चाहूँगा तमाम टीम को इसी तरह मेहनत करते रहो, जीतते रहो, खेलते रहो, दिल लगा कर खेलो। और जेटली साहब की फैमिली को कहूँगा कि हाँ लॉस है, लेकिन उन्होंने हमें क्रिकेट में बहुत कुछ दिया। क्या बात है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।